उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में जातिगत भेदभाव के नाम थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला अल्मोड़ा जिले से सामने आया है, जहां बहुजन समाज से आने वाले बच्चों को एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने के दौरान ऊंची जाति के बच्चों से अलग बैठाए जाने के आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल धोलादेवी विकासखंड के ग्राम थली निवासी हरीश राम बीते दिन अपने बच्चे की जानकारी लेने के लिए स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचने पर यह मामला उनके संज्ञान में आया है। जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो वीडियो बनाया और बाद में उन्हें थाने बुला लिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि थाना दन्या में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा हरीश राम को डराया धमका गया और बंद कमरे में डंडे से मारकर बंद कर देने की धमकी दी गई। दन्या का समीप एक गांव है, जहां पर जो है वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि हरीश राम ने जब स्कूल में गए तो उन्हें देखा कि बच्चों को अलग अलग बिठाया जा रहा है, और जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन 15A का जो है उल्लंघन करता है, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा समानता का अधिकार हम लोग को दिया गया है और ये इस प्रकार से बच्चों को अलग बिठाना, भोजन कराना, ये इस समय जब हम 21वीं सदी में जब जी रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत दुखद है। और इसी माध्यम इसी प्रकरण में हम जो है आज डीएम के माध्यम से जो है ये मांग करने आए हैं कि जो वहाँ पर घटना हुई है उसकी जांच करा करके, निष्पक्ष जांच करा करके, और जो चाहे उसमें कोई भी टीचर हो और या कोई भी जो लोग हैं उस पर और जो इस प्रकार कृत्य कर रहे हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए। मामला ग्राम सभा विकासखंड धौलादेवी के थली का है, प्राथमिक विद्यालय थली, जहाँ कि हमारे 80 के बच्चों को खाते भोजन कराते समय अलग बैठाया जा रहा है। और जब हमारे एक हरीश राम ये जो बालक है इसके माध्यम से वहाँ पे अपने बच्चों के लिए देखने के लिए गया था बच्चों को, तो इसके माध्यम से ये वहाँ गया तो इसने देखा, तो इसने अध्यापक से कहा कि ये ऐसा प्रकरण क्यों चल रहा करके, इसके विरोध में जो वहाँ के थाना के अध्यक्ष हैं, थाने में जो प्रेजेंट समय में लोग हैं, उनके माध्यम से भी इसको डांटा गया, बताया गया कि नहीं, अगर तू ऐसा गलत काम करेगा, बिना परमिशन के स्कूल में कैसे गया, तेरे को अंदर करवा देंगे, पीट देंगे। ये ऐसी भावनाएं समाज के अंदर आज भी चल रही है, जो इसके विरोध में अभी हम डीएम साहब को ज्ञापन देके आए हैं।